पानी वाली टैंकी चुना अज फिर बदबू जड़ी आने शुरू हो गई है। वेखना उत्ते चढ़ के फिर ना कोई जानवर बेचारा मर गया होए। ओए होए 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 मैं की आख्या उदा है वेखो कोट किरली वेच मार के। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल ने सारे भैन भाइयों, एक बार फिर सब भैन भाइयों ईद मुबारक। और ईद की शाम ही है तकरीबन, सुबह तो लैके हुण तक तकरीबन मेरे हिसाब विच असी तो वे गए हुए सी, लेकिन अड़ोस पड़ोस वालों गोश्त वगैरह कोई नहीं आया। शायद उन्होंने कुरबानी वगैरह नहीं की या वैसे नहीं उन्होंने दिता, क्योंकि अगर विलेज हो गए ना बंदा, विलेज काफ़ी सारे लोग जोड़े ना गोश्त दे जाते हैं, तो साड़ी आदत नहीं है कि किसी के घरों जाके मतलब है कि गोश्त वगैरह लीए। वैसे अगर असी किसी के घर मेहमान के तौर पर चले, जिस तरह कि हूँ असी उन्होंने घर गए भाई नवाज और तरफ और उन्होंने कुरबानी की है, तो उन्होंने अगर गोश्त पाक दे दिता ना फिर इनकार नहीं है। और आप खुद जाके मतलब है कि स्पेशली गोश्त वास्ते कदे नहीं किसी ने जाके कहा कि सानू कुरबानी का गोश्त दो, जिमें लिया गोश्त हूँ ही उबलने रख दिता हुआ। और अद्धा गोश्त असा भाई और दे छड़िया सी, अद्धा असी इत्थे लै आंदे सी, क्योंकि उन्होंने भी किसी ने तकरीबन कोई नहीं गोश्त वगैरह भेजा सी, वो बाहर बैठे ता करके। तो चलो मैं क्या अद्धा उन्होंने गोश्त दे देने, अद्धा आप इस्तेमाल कर। अम्मी प्याज वगैरह और लसन लुसन छिल के बैठी हुई है। ये अम्मी सिंगा ली गोश्त पकेगा बेच के, आलू शालू के कल गोश्त पकाना। चलो इन जी सही है, असी अपनी ड्यूटी ते हो गई है। आहिस्ता बेगम साहिबा मेरी होंगी जाती है ट्रेन के विलॉग जो बनाने शुरू करे। बहरहाल जिथे कैमरा है खुद पकड़ती है ना, उथे इनू कोई नी पता लगता भी बोलना है नहीं बोलना, बिलकुल ही खामोश, बस कैमरा ऑन करता खामोशी नाल बनाई रखी वीडियो है। इन्ना मेरे ले लकड़िया दे काम देखो भी, वो इन्हें पहले नहीं पसंद आया, पता नहीं उत्ते वो खराब है गया सी तां करके हुण थल्लों होर निकलिया तो खाई जा रहा, तो माझ ने भी पट्ठे असा कुतर के पाए ने, वेखो सारे दे सारे ही खा पी गई है, बिल्कुल खुरली वेली हुई पी है। होर मजीद थोड़े कुतर के पाने ताकि रज रुज जाए। गर्मी इन्नी है ना, दिहाड़ी चलां के तीन दफा नाया फिर भी हुण पट्ठे कुतरे ने, पट्ठे कुतर के पाए ने ना, तो फिर पसीना जड़ा ना काफ़ी सारा लै आया, फिर दिल करता पे कि दोबारा फिर नहा लवा। बाकी आसियां नू कोई गर्मी नहीं लगती ना इन्हें ना मैं आके नाता नहीं नहाना, तो उन्ना चिर मैंने सुकून नहीं मिलिया, तू ही नहा धो लिया कर। काम कार अपनी जगह ते ने ठीक है ना, बाकी गर्मी लगे ना, गर्मी लगे तो नहा धो के ठंडे ठार होना चाहिए, ठीक है ना। अम्मी हिसाब किताब कर रही है बच्ची नाल भी दुध दा, यारवीं अम्मी अज ही है ठीक है ना, सवेरे जिहड़ा दिता ने ना किन्ना दिता सवेरे, डेढ़ किलो, वो तुसीं डेढ़ किलो दे पैसे नहीं लैने। हाँ हुण जिहड़े चलो दिता है ना, एक टाइम तुसीं यारवीं दा लाजमी दिता करो ठीक है ना। हाँ सवेर आले दे नहीं ना देने, हुण आले दे भावे लै लवे, जेड़ा कल शामी आला ते हुण आला अम्मी ते। हां ओंदे बे सुबह देने ही दे पैसे। चलो सही, क्योंकि यारवीं शरीफ शुरू तो ही जरा ना साढ़े खानदान चलता आ रहा, और एक समझो कि खैरात होंगी है और खत्मे पाक होंगे है गया यारवीं शरीफ का, तो वो देना साडा समझो कि लाजमी बनता है, फर्ज बनता है, हर हाल च असा मतलब देने बंदे ना होवे दो तो एक अलहदा चीज़ है। अगर अल्लाह पाक ने दुध दिता है ना तो उनके चलो कोई किलो डेढ़ किलो देना लाजमी बन। काफ़ी सारे भैन भाई जड़े ना इस गल ते इख्तलाफ करते हैं कि यारवीं जड़ी है ना वो मतलब एक बिदअत है ये वो, बहरहाल जिस किसी नूं अच्छा लगता है ना वो मतलब अपने हिसाब के मुताबिक गल करे, तो बहरहाल असी इंशाल्लाह औल अजीज हर यारवीं का खत्म जरूर मतलब खत्म ही होंगे या फिर सदका खैरात कर लो, ये लाजमी असी देना होंगे। बाकी आसिया बना रही है गोश्त, खाली अजे तो प्याज वगैरह भुनती पई है, और अबू होर मतलब के आप ही लग पे लकड़ियाँ टुकन
हाथ कटा के ते बह रहा। मैं ये काम लगा हुआ सो पट्ठे जे कटदा पिया सो, उस तो बाद मैं मोबाइल ते लग गया। अबू आपे चाहिए यार शायद जाके लग पाया, तुसी अबू ना लकड़ियाँ वगैरह टुकियाँ करो, मैं आपे टोक लिया कर सा। एवें हाथ कटा लिया ने, लकड़ भी जी खतरनाक जी हैगी है, छैनिया जी दे के अबू जड़े लगे हुए सी टुकन, तो उत्ते मेरे ख्याल गुआड़ा वजे। ए देखो ए खून सारा लगे अबू का। और अलहमदुल्ला साड़ी पूरी फैमिली जड़ी ना निक्के तो लैके वड्डे तक, उन्हां दा दिल नहीं करता कि मतलब एक बह जाइए, हर टाइम किसी न किसी काम में मसरूफ ही रहिंदे ने, चाहे बच्चे ने चाहे साडे वड्डे ने। ते तां करके मतलब है कि मैं तो मतलब कि मैं विलॉग भी वगैरह भी बनाना हुंदा, एडिट करना हुंदा, लगाना हुंदा, ये भी एक काम है, मेरी ड्यूटी है। ते तां करके मैं 2 मिनट जिहड़ा ना वीडियो वगैरह एडिट करन लग गया तां बुनू सट लग गई है, वरना मैं मैनू पता हुंदा ना, मैं यकीन करो वेख्या ही नहीं अबू और काम लगे खड़े, अगर पता हुंदा तो मैं कदे ना उन्होंने काम करन। मोहम्मद अली गया सी फोटो खिंचाण, वाह जी वाह, सियाणो खां मोहम्मद अली हैगा, किवें एडिट करके अगले कंप्यूटर करके दे देंगे रुपया 100 मांज लेंगे। है कि ले आई, तेन मैं मना नहीं किया पापड़ा तू, जो भी है पापड़ा तू मना नहीं किया, आखे क्यों नहीं लगता अली तू सियाणा बड़ा नाल गया, क्यों लै दिते इहनू रोवन देना, किन्ने दे लै के आया हुण, मेरा दिल तो करता है मैं फड़ के ना बिच आके साड़ सकता है। जिमें मना करो ना आखे नहीं लगता है। सालन वगैरह बन गया, सालन बन गया, चाही बन गए, किद्दां दा बनाए वेखण तो वाह वाह लग रहा, काह खुशबू भी अच्छी आ रही है। अजे पहली रोटी रखी सू, बाकी अजे मैं नमाज पढ़नी फिर मैं खाना। सूरज काफी देर दा लै गया होया, गरूब हो गया होया, बाकी ये तैया कर ला, तू अम्मी नु काम नहीं करन देना, मैं अबू नु नहीं करन देना, ठीक है ना। तू अगे क्यों आख्या लकड़ियां तो, मैं कदो अबू नु आख्या, अबू आपे लग पिया ओंदा तैना वदी, इससे गलो आख्या ना, अपना कोल वदिया दा फायदा कोई नहीं है जे ओही काम करन दा, ठीक है ना। रात दे 10 बज गए ने, और छोटा भाई ते नाल जिहड़ा अगले दिन आया परौणा गोश्त लै के हुण आ रहे ने, इन्नी लेट ईद हुई है, 9 गावां कोणियां ने 9 पूरियां होणियां ते तां या के जावां ते लबणा वेख लो, फिर जिस टाइम फिर नसीबां च होए गोश्त उदों ही मिलदा, आ जाओ हुण 9 होण पूरे होए ने, हुण इस टाइम 9 होए ने, आखरी जानवर चीज शामिल, क्या बात है जी, सारे सौ गए हुए सी बिलकुल, और मैं जाग रहा सो, भाई ने दरवाजा खड़काया ना, मैं फिर जाके फौरी खोलिया, मैं पता नहीं इस टाइम कौन आ गया हो, बाकी डर भी लगता है जी, चोरी चकारी का जरा ना समझा के रोड बगदा पे, इस वास्ते मैं 3-4 दफा दरवाजा इन्हें खड़काया तो फिर जाके मैं खोलिया, बल्कि इन्हें आवाज मारी है, फिर पता लग गया भाई भाई आया, इन अम्मी हम फ्रिज रख दई है, इस तरह खून जना वगदा रहे, की ख्याल है। चलो हूँ तीन फ्रिज च ही रखना, 2 छापर ने, एक भाई का और एक साडा समझो, बाकी मैं पता कोई नहीं कि केड़े खाने फ्रिज रखने, मैं तो इतने उपर वाले च रख रहा, ज़्यादा मतलब ठंडा होगा ना तो जम जाएगा, थले वाले तो इन्हें खून बखेरी रखना, बर्फ बुरफ साइड से थोड़ी करने, ये भी जम्मी पई है, ओए होए वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, एक नवी सुबह का आगाज हो चुका है, और ईद का दूसरा दिन, और जुम्मतुल मुबारक सब बहन भाई बहुत बहुत मुबारक हो गए। पक्खे साढ़े की हूँ लीड जी उस साइड तो जा रही होंगी, अगे इतने लाते ऐसे इन्हों की वजह तो फिर सानू उस पास कढ़नी पई है, ये तारा टोक देंगे दे। फिर अल्लाह माफी दे, मसला ही बन सकता है, तां करके उस पास ला रही है। आसमां चली गई, ईमान इत्थे रह गए, आसमां आवेगी ईमान चली जाएगी। आ जिस तरह असी तुसी मंजिया नाल लांदे हो ना,
ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕੰਧ ਦੇ ਰਖਾ ਦੇਣੀਆਂ ਕਰੋ। ਹੈਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਛੁਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਪਾਉਂਦੀ। ਵਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਵੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਾੜੀ ਸ਼ਾੜੀ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 250-300 ਰੁਪਇਆ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਲੇਜ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਔਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਾੜੀ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੌੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਈਦ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲ ਵੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ 2-3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੰਮਾ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਵਗੈਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਗਾਰਾ ਲੱਗ ਲੁੱਗ ਗਿਆ ਚੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ। ਹਲੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਦਬੂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਾ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਟੱਕੀ ਹੋਏ, ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਫੱਟੀ ਛੱਟੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ? ਹੈ ਵੇਖੋ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਪਈ ਅੱਜ। ਹੈਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਝ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੀ ਪਈ। ਹੈ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਪਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ ਅੰਮੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੱਝ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜੀਏ ਯਾਰ, ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਐਲਾ ਗੱਤਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਐਲੇ ਹੌਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੀ ਫੌਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਕੌਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਛਪਕਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਮੱਝ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਖੜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਵੱਜਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਬਲ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘੜ ਸੱਟੀ, ਵੱਡੀ ਸੱਬਲ ਪਈ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹ, ਇਹਨੂੰ ਘੜ ਸੱਟੀਏ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੜੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਹੈ ਵੇਖੋ, ਬਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇੜੀ ਨਾ, ਕੰਧ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਹਤਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਦੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹ 'ਤੇ ਪੱਟਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ
ਸਾਨੂੰ ਐ ਹਨੇਰ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ। ਐ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਖੜਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸਾਰੇ ਬੱਦਲ ਹੀ ਬੱਦਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਹ ਬੂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਰੋਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਤਰੇੜੋ ਬੰਦਾ ਪੱਟ ਖੋ ਲੈਂਦਾ। ਐ ਵੇਖੋ ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਬੈਠੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੰਮੀ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਆਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਹਰਹਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਏ ਸੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਏ ਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਵੇ, ਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਗਏ ਅੰਦਰ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।